श्रोता बंधुओं, ये जितनी भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं, ग्राम सहडोली, तहसील अदवाई, जिला भरतपुर राजस्थान, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है पंडित रोपा साउंड सर्वेश चनुथर, और जिसके गायक है क्षेत्रीय गायक मास्टर तहसील इजरत अलवर राजस्थान से, ढोलक पर संगति कर रहे भाई सुंदर बुंदल नंगला पछामा जनुथर, झीका पर झनकार दे रहे हैं पंडित घनश्याम रूपास, और मन संचालन कर रहे हैं सम्मानीय हमारा गुरुदेव मास्टर बाबूलाल दमर सालमपुर वासी। लीजिए सर्वप्रथम जिकड़ी प्रांगण विराजमान, जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को पद्म धर्म में पलने वाली सती अनुसुईया जैसी पवित्र मेरी माता और बहनों को क्षेत्रीय गायक तेज सिंह ईश्वर जी का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। और श्रोता, समय थोड़ा है, जैसा कि विवेक लोग लिखते हैं चार लाइनों में, ध्यान दीजिए। गजराज को प्यास, गज माने हाथी, एक हाथी के लिए प्यास सता रही है तो वो हाथी जल की तलाश में जा रहा है। सुरंदर जी, गजराज को प्यास और लगी वन में, जब पीवन नीर सरोवर धायो, गजराज ने पैर दियो जल में तो गिरान आजा को पाम दबायो। एक मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर अपने मुंह में दबा लिया, गजराज ने पार नहीं पायो, गोविंद हरी पुकार सुनी तो श्याम ने आए जाको फंदे छुड़ायो। आइएगा, जैसा कि सबके लिए बजट है, हम जा जिकड़ी गाते हैं और जिकड़ी से पहले वो जिकड़ी की जननी की तरफ चलते हैं, जिकड़ी की मां साखी की तरफ। ये जिकड़ी की मुख्य धरोहर होती है और साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं। साखी के बोल सुरंदर जी, ओ आरले और मोहनी कहने लगे पारत से,
सुन बलवान रे गीता को ओ ज्ञान बताए भगवान आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं उस गांडीवधारी अर्जुन से, गीता की बातें समझा रहे हैं सुरेंद्र जी। नाते रिश्ते सब स्वार्थ के नाते रिश्ते सब स्वार्थ के ओ त्याग हाँ त्याग अभिमान रे तू अपने मन में लाए रहा मन चित्त बुक से लिपटी है माया अग्न पे जरना नीर अग्न पे जरना नीर करावे और शस्त्र पे कटना हवा सुतावे अग्न पे जरना नीर करावे शस्त्र पे कटना हवा सुखावे और ये क्या मन का प्रसार आदरणीय मास्टर बाबूलाल जी तमर उनकी तरफ से इक्यावन रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। मन संचालन कर रहे हैं आशीर्वादी कामना करेंगे सुरेंद्र शस्त्र पे कटना हवा सुखावे कभी तू पाप कभी बनो बेटा क्या बात है रोताश जी कभी तू पाप कभी बनो बेटा मोह माया को कर्म लपेटा जैसा कि बुद्ध जी भी कहते हैं ये संगीत हो सकती है संगीत वो सकती है हर स्वर में बसे हैं राम और रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम कभी तू पाप कभी बनो बेटा मोह माया को करमा लपेटा चेतना अजरा बाबा युवा सुंदर चेतन अजर अमर अवानासी लाखन कहते अलीपुरा बासी लाखन कहते इंसान के लिए मिलता है अपने कर्मों से मिलता है ये सब कर मन को थे कर्म हसावे कर्म रुलावे कर्म करावे सब दे भैया मेरे
जला भरतपुर की पहचान दामोदर रसिया हो लीला तेरी तू ही जाने तू ही जाने तेरी माया तेरी लीला तेरी माया को ना पाया हो कोई पार हो लीला चलते हैं एक नए से प्रसंग की तरफ ध्यान का एक कागज कभी जगह श्री कृष्ण भगवान और कुंती पुत्र अर्जुन गंगा स्नान के वास्ते गंगा का किनारा चले गए। आपस में वार्तालापें हो रही है। अर्जुन ने कहा प्रभु इस संसार में मेरे जैसा कोई धनुर्धर है मेरे जैसा कोई बलशाली है। कृष्ण भगवान बोले अर्जुन कह क्या रहा है प्रभु जो कह रहा हूं मेरे मुखारविंद से मैं सत्य कह रहा हूं। अरे तेरे जैसे बलवान तेरे जैसे योद्धा संसार में बहुत हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं मेरे जैसा बलवान इस संसार में कोई नहीं है। अच्छा हाँ समय आने दे अर्जुन देखेंगे तू कितना बड़ा बलवान है। श्रोता बंधु श्री कृष्ण भगवान गंगा स्नान करके द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए और वो गांधी भर अर्जुन गंगा स्नान करके हस्तनापुर आ गया। जैसी प्रभात होता है भोर होता है सवेरा होता है अपनी माँ कुंती से अनुमति लेकर चलने की तैयारी कर रहा है शिकार खेलने के लिए जा रहा है। होते प्रभात पाथ ने कर गांडीव उठायो है चरणन शीश नभाए मात के फिर आगे कूदायो है। बढ़ के चलो अगार धनंजय पाई एक विधवा नार अकेली और आगे ते मिल गयो त्याली। अर्जुन के अश्कुन होते और सुरंदर जी मगर कोई विचार नहीं कर रहा है चला जा रहा है। सुनिए अर्जुन चल दिया जोश में तनक न करो विचार अर्जुन चल दिया जोश में तनक ना करो विचार और पहुंचो वन के बीच में ढूंढत फिरत शिकार। सुनिए कथा मोड़ लेती है सुरेंद्र जी बालक रूप बनाए के एक बालक रूप बनाए के चल दिए कृष्ण मुरार चलती है कृष्ण मुरार आंख फार के देख रहा रे कोई अर्जुन पंडित कुमार बात ना अर्जुन पंडित कुमार आवे ये कलयुग चल रहा है। और श्रोता मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते और वो सत्य है। आज की मित्रता
आज की जो मित्रता है उसके बारे में हम बता रहे हैं कैसी मित्रता है। कुछ लोग खुदा का खौफ खाते हैं, नहीं दुनिया से डरते हैं। सौरत चंद्र दिन की है, उसी सौरत पर मरते हैं। गला भी काटते क्या दोस्ती है, गला भी काटते दोस्ती का दम भी भरते हैं। उसी बर्तन में खाते और उसी में छेद करते हैं। ये जमाना कभी कहे तुम सब सुनो, अब के ऐसे मित्र जो आ जाएगा कान पे चारों कोने चित्त सुरंदर चारों भगवान वो मुरलीधर अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के सामने आ गए। कैसे आ गए? एक छोटे से बच्चे का रूप रखा। अर्जुन ने देखा ये तो 12 साल का बालक इस बियाबान में अकेला क्यों आया है। 12 साल का बालक जाकू वन में घूमत पायो है। पास में जाके अर्जुन ने बालक दे वचन सुनायो है। कैसे डोले या बन खंड में बालक तेरे मन की बात सुना दे। बेटा तू अपनो पूरो पतो बता दे। और इसी बीच ये 200 रुपए का पुरस्कार ब्रजेशी और अवस्थी जी अवधेश अवस्थी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से बच्चे ने अर्जुन से कहा मैं पूछना चाहता है क्यों आया हूं बियाबान जंगल में। अर्जुन बोला हाँ यही तो पूछ रहा हूं, अभी तेरी दूध पीने की उम्र है, तू भाई अकेला क्यों आया है इस जंगल में, तू अकेला क्यों आया है, चला जा यहां से। छोटा सा बालक बोला बताऊं क्यों आया हूं। हाँ ले सुन, एक हस्तनापुर का और पीर बड़ा रणधीर भीम का भैया नित बांध तर कसती रहता बड़ा है लड़ा भैया। चमचाए दई जाने महाभारत के बीच मचाए दई और कीच सेन संघारी अठार अचुनी सेन भैया से। बच्चे ने कहा उस नन्हे से बच्चे ने कहा मैं बताऊं इस बियाबान में क्यों आया हूं। अर्जुन को यह पता नहीं है ये साधारण बालक है या छोटा सा बच्चा है या कृष्ण भगवान है। श्रोताओ नन्हे से बालक ने कहा जो हस्तिनापुर का रहने वाला है ना अर्जुन जिसका नाम है जिसने महाभारत का विजय किया है, भीम जिसका भाई है, कुंती जिसकी माँ है, मैं उसके पास उसकी खोज करने के लिए आया हूं। अर्जुन
अर्जुन हंस गया और बोला, बालक की जब बात सुनी तो अर्जुन मन मुस्काया है, कैसे ढूंढ रहा अर्जुन को जो विकट बनी में आया है। कहा मेल तेरो अर्जुन थे तेरी अभी उमरिया बारी और ऐसे कैन लगे बलधारी। श्रोता, नन्हे से बच्चे से अर्जुन ने कहा भाई तेरा और अर्जुन का क्या मेल है, तू अभी दूध पीता है, छोटा सा बालक है, बताऊं? हाँ सुरेंद्र, पूछना चाहता है तो मेरा नाम अर्जुन है, कैसे हो सकता है तू अर्जुन करेगा क्या तू अर्जुन का? इतनी सुन के अर्जुन बोले, बच्चा दे लब दे सुनाई है, बहुत देर से पूछ रहा हूं ना तेरे तेरे मन की बात, बताइए तेरी कोरी बात दे, मेरो हियो ना भरेगो बेटा, तू अर्जुन को कहा करेगो भाई, तेरी और अर्जुन की बराबरी नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा, तू अर्जुन का करेगा क्या? छोटा सा बालक बोला, बताऊं मैं अर्जुन का क्या करूंगा? हाँ ले सुन, अर्जुन की जब बात सुनी तो बात छोटे से उचारो है, पर मैं तू जो हाथ करूंगो अर्जुन ते वो वीर बड़ा बाबा बारो है, बारो है, लड़ने के लिए आया हूं और मैंने सुना है इस भारत देश में उस गांधीधारी अर्जुन का दबदबा है, अर्जुन जैसा कोई बलवान नहीं है। सुरेंद्र जी, बड़ा लड़ैया अर्जुन कहिए, जाको स्वर मचो बड़ा भार है, बैठ के हाथ मिलानो है कह लखनी बरके